तेबे बात्या संपर्कित टेक्निक अपडेट आमे आपनको पाखरे पहुंचाउछु जा वर्तमान अपडेट खबर आसी पहुंचुची स्थल भाग छुइछि बात्या दानार बाह्य बलय पारादीप राजरु मिलिथिबा तथ्य अनुजाई भद्रक एवं केन्द्रापड़ा जिलार किछि अंचल रे बात्यार बाह्य बलय स्पर्श करिछि अर्थात बात्या स्थल भाग आड़कु बेस तीव्र गति रे माड़ी आसुछि आमे कहि परिबा स्थल भाग छुइला बात्या दानार बाह्य बलय अर्थात बात्या दानार बाह्य बलय वर्तमान स्थलभाग छुई ये होची वर्तमान अपडेट खबर पारादीप राडर रु मिलिथिबा तथ्य अनुजाई भद्रक एवं केन्द्रापड़ा जिलार किछि अंचल रे बात्यार बाह्य बलय स्पर्श करिछि जोति पाई किछि किछि स्थान रे वर्षा पवन मध्य आरंभ होइ गलाणी आम प्रतिनिधि माने विभिन्न स्थान रे अछन्ति एवं जहां आमकु सद्यतम विजुअल भी सामना को आसुछि जे वर्षा पवन मध्य आरंभ होइ गलाणी 90 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा में केंद्रीभूत है और धामरा से इसका दूरी है 520 किलोमीटर, सागरद्वीप से इसका दूरी है 570 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में। हमारा ये पूर्वानुमान है कि साइक्लोन स्टॉर्म दाना उत्तर पश्चिम दिशा में इसका गति जारी रखेगा। आज मध्यरात्र से कल सुबह के बीच में ये फर्दर इंटेंसिफिकेशन होते हुए एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा, तब ये उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत होगा। उत्तर पश्चिम दिशा में इसका मूवमेंट जारी करते हुए 24 तारीख रात से 25 तारीख सुबह के बीच में ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तटीय इलाका को पुरी और सागरद्वीप के बीच में भितरकनिका और धामरा पोर्ट जो कि ओडिशा में है इसके आसपास हिट करेगा। जब ये तट को पार करेगा 24 तारीख रात और 25 तारीख सुबह के बीच में, तब इसका इंटेंसिटी एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे होगा और विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। अभी ऑलरेडी क्लाउड मास ओडिशा और वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, लाइट रेन एक दो जगह पे भी शुरू हो चुका है ओडिशा कोस्ट के तटीय इलाके में। आज हम लाइट टू मॉडरेट यानी सामान्य से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान दिए हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ओडिशा और वेस्ट बंगाल की। धीरे धीरे रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ेगा, 24 तारीख और 25 तारीख को लगभग सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पुरी से शुरू करके खुर्धा, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, मयूरभंज, ढेंकानाल और भुवनेश्वर सिटी के साथ सभी जगह में बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाके में हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने का संभावना है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर तक होने का भी पूर्वानुमान किया जा रहा है 26 तारीख को। और धीरे धीरे ये रेनफॉल एक्टिविटी इंटर ओडिशा की तरफ बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जितना कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जैसे पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, ये सभी जगह में बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाके में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है और एक दो जगह पर एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश भी हो सकता है 24 तारीख और 25 तारीख को। तेज हवा की संभावना ऐसे है कि 23 तारीख माने आज शाम के बाद ओडिशा और वेस्ट बंगाल तट के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में तेज हवा हो सकता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए 24 तारीख रात और 25 तारीख सुबह तक विंड स्पीड पीक होगा माने मैक्सिमम होगा और वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है और ये विंड स्पीड सबसे ज़्यादा जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर डिस्ट्रिक्ट और जो पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है
इसमें होने का संभावना है। जब हम साउथ मेदिनीपुर परगना और पश्चिम मेदिनीपुर हावड़ा हुगली की बात करेंगे तो धीरे धीरे विंड स्पीड कम होगा, 70-90 किलोमीटर पर विंड स्पीड होने का संभावना है। सिमिलर यहाँ पुरी और खुर्दा जिला की बात करें तो 60-80 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड होने का संभावना है जब साइक्लोन तट को पार करेगा। इसके अलावा स्टर्म सर्च यानी टाइडल वेव जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर आने का संभावना है, लगभग 1-2 मीटर हाइट का टाइडल वेव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर आने का संभावना है और केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय इलाका में जो लोलाइंग एरिया है यहाँ इनंडेट कर सकता है। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के और दक्षिण 24 परगना वेस्ट बंगाल की वहाँ 0.5 मीटर से 1 मीटर तक स्टर्म सर्ज यानी टाइडल वेव आने का संभावना है और ये टाइडल वेव सबसे ज़्यादा 24 तारीख रात से 25 तारीख सुबह या पूर्वाह्न तक होने का संभावना है। तो ये तीनों जो मल्टी हजार सिनेरियो हैवी रेनफॉल विंड स्टर्म सर्ज साथ साथ होगा, इसलिए आपदा का पूर्वानुमान दिया गया है, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट रिस्क बेस्ड वार्निंग इशू हो रहा है और इसकी वजह से पेड़ घिर सकता है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।